Nobody knows our value. In fact, sometimes we also don't have any idea our value. My name is Shivani Rajput and I welcome you all to my channel, A Tale of Rejections. So guys, आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट ये स्टोरी अपनी लाइफ में हर एक इंसान को एक बार तो जरूर सुननी चाहिए. ये स्टोरी है एक बूढ़े पिता की जो कि मरने ही वाला था. उसका आखिरी समय उसके नजदीक आ चुका था. तब उसने अपने बेटे को बुलाकर एक बहुत ही पुरानी सी घड़ी निकाल कर उसको देते हुए बोला कि ये घड़ी मुझे तुम्हारे दादाजी ने 20 साल पहले दी थी और मैं चाहता हूं तुम इस घड़ी को लेकर मार्केट में जाओ और वहां जाकर इसे बेचने का ट्राई करो, देखो कि वो तुम्हें इस घड़ी का कितना रुपया दे सकते हैं. बेटे ने ऐसे ही किया. वो मार्केट गया और मार्केट में जाकर उस घड़ी को बेचने का ट्राई किया और फिर वापस आ गया अपने पिता के पास. उसने पिता को बोला कि मैं गया था एक दुकान पे और मैंने इसे बेचने का ट्राई किया और उस दुकानदार ने इस घड़ी का सिर्फ 500 रुपए ही लगाया क्योंकि ये घड़ी बहुत पुरानी है. फिर उसके पिता ने कहा कि तुम ना इस बार फिर से मार्केट जाओ और किसी पॉन शॉप पर जाकर ट्राई करना. बेटे ने वैसा ही किया. वो फिर से मार्केट गया और जाकर शॉप पर फिर से वापस लौटकर अपने पिता के पास आया. उन्होंने बोला कि इस बार तो उन्होंने सिर्फ मुझे 300 रुपए देने के लिए ही बोला है कि इस पर तो स्क्रैच है, ये घड़ी तो बेकार है. उसका पिता थोड़ी देर शांत रहा और उसने बोला कि तुम ये घड़ी ले जाकर किसी म्यूजियम में जाके बेचने का ट्राई करो. बेटे का मन तो नहीं था, उन्हें लगा कि क्या करवा रहे हैं मेरे पिता मुझसे, एक तो वैसे ही इतनी पुरानी सी सड़ी सी वॉच है, इसको कोई नहीं खरीदेगा. वो ऐसे मन में अपने सोच रहा था. लेकिन फिर भी उसको लगा कि उसके पिता की आखिरी इच्छा है तो उसको पूरी करनी चाहिए ये बात. और ऐसे सोच के वे मन ही मन फिर से मार्केट में गया और म्यूजियम में जाकर उस घड़ी को बेचने का ट्राई किया और फिर वो वापस आया अपने पिता के पास. इस बार उसके चेहरे पर स्माइल थी और उसने अपने पिता को बताया कि म्यूजियम में इस घड़ी के मुझे 3 लाख रुपए ऑफर हुए हैं पिताजी. वो कहते हैं ये नायाब घड़ी है अपने जमाने की, ये तुम्हें कहां से मिली. पिता ये सुन के थोड़ी देर फिर से शांत हो गया और हल्के से मुस्कुराया, बोला कि मैं तुम्हें यही जिंदगी का आखिरी सबक अपने आखिरी वक्त में देना चाहता था कि सही जगह पर तुम्हें सही तरीके से तुम्हारी वैल्यू होगी और अगर तुम किसी गलत जगह पर होगे तो तुम्हें गुस्सा आएगा क्योंकि तुम्हारी वैल्यू नहीं हो पाएगी. मोरल ऑफ द स्टोरी, नेवर स्टे इन अ प्लेस वेयर समवन डजंट सी योर वैल्यू और यू डोंट फील अप्रिसिएटेड. इफ यू डोंट नो योर वैल्यू यू विल ऑलवेज सेटल फॉर अ लेस देन यू डिजर्व. गाइस ऐसा ही होता है हम सबके साथ. हम अपनी लाइफ में गलत जगह पर होते हैं और ब्लेम करते हैं कि हमें वैल्यू नहीं मिल रही क्योंकि वो लोग वैल्यू कैसे कर सकते हैं आपकी जिन्हें आपकी वैल्यू पता ही नहीं है. और हम लोग सेटल हो जाते हैं उस जगह पर ये सोच के कि शायद यही हमारे लिए बना हुआ है. तो इट इज द टाइम टू फाइंड आउट योर सेल्फ, योर वैल्यू, योर वर्थ, बिकॉज दिस इज नॉट इनफ फॉर यू. आपसे ज्यादा आपकी वैल्यू कोई नहीं जानता. सो गाइस अपने आप को पहचानिए, आप कहीं ज्यादा हो और अपने उस हिस्से को जगाइए जो कि जानता है, जो कि मानता है कि आप इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हो जो आज आपके पास है. दूसरों के विचारों से आप प्रभावित नहीं हो. दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों का परसेप्शन आपके बारे में क्या है, आप अपने आप को उस डेफिनेशन में फिट मत करो. आप अपनी डेफिनेशन खुद बनाओ क्योंकि जो आपकी वर्थ है, जो आपकी वैल्यू है ना, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा. बसरते आपको अपने अंदर के उस हिस्से को जगाना पड़ेगा जो कि आपको यकीन दिला पाए जो आज आप हो उससे कहीं ज्यादा पाने के आप हकदार हो.
क्योंकि हम सब जानते हैं हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक सही जगह पे हैं, उनको लगता है, पर उनके अंदर की एक आवाज है, उनको लगता है कि नहीं, मैं सही जगह पे नहीं हूं, मैं इससे ज्यादा पा सकता हूँ, इससे ज्यादा अचीव कर सकता हूँ, लेकिन बस क्योंकि दूसरे बोलते हैं कि वो जगह सही है उनके लिए, तो वो बस वहीं रह जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन है तो प्लीज आगे बढ़िए, खुद के लिए अपना हाथ खुद के लिए ही बढ़ाइए, क्योंकि आज आपको अपनी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपनी वर्थ को पहचानिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए और जो आप करना चाहते हैं उसे करिए, क्योंकि लास्ट में ना कभी जब आप मर रहे हो, जब बूढ़े हो रहे हो एकदम, तो ये रिग्रेट ना रहे कि आप कर सकते थे और आपने नहीं किया। आई होप गाइज आपको मेरी ये स्टोरी इंस्पायर करी होगी और मैं चाहती हूं कि इस स्टोरी को आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, जहां भी हो सकता हो आप इसे शेयर करें, क्योंकि कहानियां अक्सर आपकी जिंदगी का आईना होती है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अमेजिंग सी स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर।